उत्तर प्रदेश के अमेठी राजघराने का विवादों से काफी गहरा नाता रहा है। राजघराने में रानी पटवानी की लड़ाई काफी लंबे अरसे से चली आ रही है। ये मुद्दा इस बार पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर संजय सिंह की चुनाव में मुश्किलें बढ़ा सकता है। वो इसलिए उनकी पहली पत्नी और भाजपा विधायक गरिमा सिंह ने रिटर्निंग ऑफिसर संजीव कुमार मौर्य के सामने पहुंचकर संजय सिंह के नामांकन पर आपत्ति दर्ज कराई है। गरिमा सिंह का आरोप है कि मैं संजय सिंह की लीगल पत्नी हूं, लेकिन संजय सिंह के एफिडेविट में कहीं मेरा नाम नहीं है, मेरे नाम के स्थान पर दूसरे का नाम है। क्या मांग की गई है इसमें आपकी तरफ से? मैंने आपको बताया, अभी बताया कि संभवतः अमिता मोदी के लिए पत्नी का स्थान दिया गया है जो मुझे मंजूर नहीं है। मैं अपना स्थान और अपना गौरव प्राप्त करना चाहती हूँ। मैं हूँ पत्नी और रहूँगी। यहाँ पर आप आपत्ति, कुछ आश्वासन मिला है आपको? यहाँ तो दे दिया गया है पेपर, अब आगे की कार्यवाही आगे आपको पता चल जाएगी। विधायक गरिमा सिंह ने कहा है कि ये हमारी पारिवारिक और व्यक्तिगत समस्या है। मैंने आज पत्नी होने का स्थान पाने के लिए, पत्नी अस्तित्व के लिए, पत्नी के गौरव के लिए, सम्मान के लिए आज एक आपत्ति दर्ज कराई है। इस पर जो भी जवाब मिलेगा उसके बाद ही मैं आपको कुछ बता पाऊंगी। गरिमा सिंह ने बताया कि संभवतः अमिता मोदी को पत्नी का स्थान दे दिया है जो मुझे मंजूर नहीं है। मैं अपना स्थान और अपना गौरव प्राप्त करना चाहती हूं। मैं पत्नी हूं और रहूंगी। अब यहां से जो जवाब मिलेगा वो बताया जाएगा। समस्या पारिवारिक समस्या है, व्यक्तिगत समस्या है, तो मैंने आज अपने पत्नी होने का स्थान पाने के लिए, पत्नी होने का अस्तित्व के लिए, पत्नी के गौरव के लिए और पत्नी के सम्मान के लिए आज ये आपत्ति दर्ज कराई है और इस पे जो भी जवाब मिलेगा उसके बाद में बता पाऊंगी। जब गरिमा सिंह ने संजय सिंह के चुनाव में प्रचार को लेकर सवाल हुआ तो गरिमा सिंह ने जवाब में कहा कि अब इस विषय पर मैंने विचार नहीं किया है, देखा जाएगा। मैं पार्टी के साथ हूँ, पार्टी की वर्कर हूँ और पार्टी जो आदेश करेगी उसका पालन किया जाएगा। महाराज को भाजपा से ही कैंडिडेट बनाया गया है, क्या आप उनके पक्ष में प्रचार करेंगी? अभी तो इस विषय पर मैंने विचार नहीं किया है, देखा जाएगा। मैं पार्टी के साथ हूँ और पार्टी की वर्कर हूँ, पार्टी जो भी आदेश करेगी उसका पालन किया जाएगा। 2017 के विधानसभा चुनाव में रानी पटरानी की इस लड़ाई में राजघराने की पहली रानी गरिमा सिंह को इसका फायदा मिला, क्योंकि बीजेपी ने अमेठी विधानसभा 186 सीट से गरिमा सिंह को टिकट दिया और इस लड़ाई में गरिमा सिंह के साथ जनता की सहानुभूति भी साथ रही और गरिमा सिंह 2017 के विधानसभा चुनाव को जीतकर विधायक के रूप में चुनी गई। वहीं इस बार बीजेपी की सियासी चाल चलते हुए रानी पटरानी का टिकट काटकर डॉक्टर संजय सिंह को अमेठी विधानसभा सीट से प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में उतारा है। अमेठी से शरद श्रीवास्तव की रिपोर्ट।